Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे एंड ये व्लॉग मंगलवार का है यानी कि ट्यूसडे का. तो अर्ली मॉर्निंग सारा ही काम निपटाने के बाद में आजकल कुछ समय से योगा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि नाक बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है ना सर्दी से. तो बस सारा काम निपटाने के बाद नहा ली थी और नहा के यहाँ करने लगी हूँ पूजा. तो बस पूजा कंप्लीट होने ही वाली थी कि गेट खटखटाने की आवाज़ आ रही थी. उसके बाद में यहाँ पूजा कंप्लीट करके मैंने गेट खोला है तो इडली वाले जो इडली बेचने आते हैं ये उनका बेटा है. मतलब जो इडली वाले हमारे यहाँ आते वो तो कई सालों से आते. वही मैं इससे बोल रही हूँ कि तेरे पापा की आवाज़ आ रही थी इडली बेचने की, तो बोले पापा नीचे खड़े हुए हैं. तो ये बच्चा आया हुआ था तो मैंने सोचा कि फिर सभी के लिए इडली ही ले लेती हूँ नाश्ते के लिए, तो वही ले लिया था. तो चलो कम से कम वीक में एक बार तो इडली वाला आ ही जाता है. वैसे तो दो तीन बार आता है बट हर बार हम लेते नहीं हैं. इनकी चटनी बड़ी मज़ेदार होती है जो ये बेचने के लिए आते हैं. सो नाश्ता तो हमारा इडली और चटनी का ही था और उसके बाद में मैंने चाय चढ़ा दी थी तब मैं यहाँ पर आई हूँ आपसे बात करने के लिए. आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग. पूजा हो गई है, चाय चढ़ा दी है, ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी, मेडिसिन लूँगी. उसके बाद आपको इत्मीनान से बैठ के दिखाऊंगी कि जयपुर से क्या लिया और उड़ीसा से क्या लिया. उड़ीसा से तो सिर्फ एक चीज ली है, जयपुर से कुछ तीन चार चीजें ली है. सो आराम से बैठ के आपको दिखाऊंगी. लाल चाय पकड़ी है. और चाय बनने के बाद में फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है, चाय पी है और उसके भी तकरीबन आधे घंटे के बाद में अब मैं आपसे मिल रही हूँ. तो फाइनली खाना बनाने से पहले एक बार जो काउंटर को मैं पूरा साबुन से अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ तो वही कर लिया है. और उसके बाद में मैंने लंच में क्या बनाया था बताऊँ, सिर्फ एक लहसुन की चटनी और बाजरे की रोटी. क्योंकि मैं काफ़ी समय से आपसे बोल रही थी कि मैं आपको एक सिस्टम बताऊँगी बाजरे की रोटी बनाने का, आप भी इजीली गेहूं की रोटी की तरह बाजरे की रोटी बेल के बना पाएंगे. सो सबसे पहले यहाँ मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये चटनी हमारे घर की हिट चटनी है और बड़ी मज़ेदार लगती है खाने में. सो दो एकदम छोटी साइज़ की प्याज ले ली है मैंने. अगर बड़ी प्याज हो तो एक भी आप ले लोगे तो चलेगा. तो दो प्याज ले ली है और इसका जो येल्लो पार्ट होता है प्याज का वो ज़रूर से निकाल दिया कीजिए, वरना अगर उसको आप रेगुलर बेसिस पे खाने में डाल के खाते हैं तो उससे पाइल्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और अगर किसी को पाइल्स पहले से ही है तो वो और ज़्यादा दिक्कत देगी. सो इस पार्ट को आप ज़रूर से निकाल दिया करें. तो मैंने दो प्याज ली है, 8 से 10 कली लहसुन की ली है, 4-5 सूखी वाली लाल मिर्च ली है, अगर सूखी ना हो तो आप पाउडर वाली भी ले सकते हैं, थोड़ा सा जीरा और हिसाब से नमक बस डाल के मैंने पीस लिया है. और स्पेशली बताऊँ इसको ना मिक्सी में ना पीस के अगर आपके पास सिल हो तो उस पर और ज़्यादा टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है इसका, मेरे पास नहीं है अभी. सो मिक्सी में ही पीस ली थी और इसमें मैंने सोचा कि आधा नींबू डालने से हो जाएगा बट 2-3 बूंदी इसमें से रस टपका तो फिर मैंने ये पूरा ही नींबू डाला. आप देख सकते हैं कितना कम रस था इसमें, तो बस वो डाल दिया. हल्का सा एक खट्टा खट्टापन आता है, बहुत ज़्यादा नींबू भी नहीं डालना है, बस डाल के मिक्स कर दिया. और ये एकदम अनोखा छोका इसमें लगता है. तो इसमें थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल लिया है. ट्राई कीजिएगा कि सरसों का तेल ही आप लें, अगर नहीं है तो आप देसी घी भी ले सकते हैं. ज़रा सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ और बस छोंका कंप्लीट. सो चटनी यहाँ बन के रेडी हो गई है और ये चटनी पता है सबसे ज़्यादा अच्छी किस में लगती है? बाजरे की रोटी, बेसन की रोटी, पराठे सब में अच्छी लगेगी बट सबसे ज़्यादा इसका टेस्ट अगर कुछ खिल के आता है तो वो है गोचे की रोटी, जो मैंने आपको कई बार रेसिपी दी है गोचे की रोटी की. सो ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको. चलिए वहाँ चटनी बन गई थी. यहाँ बाजरे की रोटी के लिए मैंने आटा ले लिया है, बहुत ज़्यादा आटा नहीं गूंद रही हूँ क्योंकि आंचल नहीं खाती है. तो 5-6 रोटी ही मैंने बनाई थी अपने लिए और हस्बैंड के लिए, बाकी थोड़ी पूड़ी भी रखी हुई हैं बॉक्स में.
तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और 100 में से 95% लोग हल्का सा गुनगुना पानी करके बाजरे का आटा गूंथते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर ही पानी है जो हम पीते हैं। बस हिसाब से डाल के और आटा गूंद लिया है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसको 10 से 15 मिनट आप समझ लो गूंदते रहना है बहुत अच्छी तरीके से। इस तरीके से जैसे पंच मार मार के हम लोग आटा गूंदते हैं, बस इसमें क्या है कि अगर आप 10-15 मिनट इकट्ठा इसको गूंद लेते हैं तो इसमें एक लचीलापन आ जाता है आटे में। बस उसी लचीलेपन से आप इसको इजीली गेहूं के आटे की जैसे रोटी बनती है इजीली आप बेल के बना पाओगे। सो यहाँ मुझे कम से कम 15 मिनट हो गया था। सो आटा बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ गूंद गया था। और जो सूखा आटा मैंने निकाला था बाजरे का, अगर सूखा आटा आप लगा के नहीं बेलना चाहते हैं या आटा कम है तो आप गेहूं का भी ले सकते हैं आटा, तो मेरे पास था। बस यही मैंने ज़रा सा ही एक पैकेट मंगा लिया था क्योंकि ज़्यादा कोई घर में खाता नहीं है, मैं ही ज़्यादातर कभी कभी एक दो रोटी ले लेती हूँ। तो बस देखिए इजीली मैंने यहाँ पे एक लोई ली है हाथ में, और लोई आपको इतनी मोटी लेनी है जो नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा आटा लेना है। और वही पलोथन मैंने लगाया है यानी कि सूखा आटा, और देख लीजिए कितनी इजीली बेल रहा है। क्योंकि जो रेगुलर बेसिस पे बनाते हैं बाजरे की रोटी तो वो पानी लगा के हाथ में बनाते हैं या फिर पलोथन लगा के भी पूरी रोटी हाथ से ही बनाते हैं। तो आप देख लीजिए अगर आपको बिल्कुल से गोल शेप चाहिए तो किसी कटोरी या प्लेट उस टाइप का हो तो उससे कट कर लीजिए। फिलहाल हमको किसको दिखाना है, मुझे ही तो खानी थी, तो बस इसी तरीके से बना ली और बहुत बढ़िया रोटी बनी है। और ये थोड़ी थोड़ी टूट जाती है तो थोड़ा सा आप इसमें थोड़ा सा जैसे कि ध्यान रखिए कि टूट ना जाए। और मैंने कोई पानी वानी नहीं लगाया, फिलहाल तवा पे रोटी लगा दी थी और गैस को मीडियम करके रखा हुआ है। जब ये जैसे एक साइड से सिक जाएगी ना तो बहुत इजीली निकल के आएगी, चिपकेगी भी नहीं। और फिर से दोबारा से मैंने एक लोई को ले लिया है, और लोई को हल्का सा मोटा ही लीजिए, बिल्कुल पतली रोटी लेंगे ना तो फिर टूटने का 100% चांसेस रहता ही है। और थोड़ा सा जैसे कि इसमें पलोथन ज़्यादा लगाइए, और हाथ से जब आप करेंगे रोटी को इस तरीके से तो जो एक्स्ट्रा पलोथन रहता है वो झड़ ही जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगा रहता है, और उठाने का ये तरीका है। सो इस तरीके से आप रेगुलर बेसिस पे बना के खा सकते हैं। देख लीजिए रोटी एकदम बढ़िया और परफेक्ट बन रही है। और एक तरीका ये है कि थोड़ा ज़्यादा सा आटा आप चकरा पे डाल दीजिए और इस तरीके से हाथ से घुमा घुमा के बेल लीजिए तो ऐसे भी बेल जाती है। से एक से दो तरीके मैंने आपको बता दिए, एंड फाइनली देख लीजिए एकदम भी चिपकी नहीं है। सो दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक के और उसके बाद में जैसे नॉर्मल रोटी को आप सेकते हैं बस उस तरीके से सेक लीजिए। थोड़ी खड़ी करके इस रोटी को सेकिए और खाने में बड़ी मज़ेदार लगती है, करारी लगती है, और गेहूं के आटे से थोड़ी सी डिफरेंट तो होती है खाने में मगर बहुत अच्छी लगती है। तो रोटी और भिंडी हमारी रखी हुई थी पहले से ही और लहसुन की चटनी, तो इतना मज़ेदार हमारा लंच था कि खा के बड़ी मज़े की नींद आई है हम सबको और हम सो गए थे खा पी के। सो यहाँ मैंने, आप रोटी की शक्ल देख लीजिए, सो यहाँ मैंने 5 से 6 रोटियाँ ही बनाई थी जो मैंने और हस्बैंड ने ही ली थी, आंचल ने तो पूड़ी ही खाई थी। और बाजरे की रोटी आपको पता है चिंकी को बहुत पसंद है, सो मैं बना रही थी तो याद भी कर रही थी कि उसको इतनी पसंद है। और मैं रोज़ डेली बेसिस पे तो नहीं बनाती हूँ बट हाँ सप्ताह या 8 दिन में अपने लिए ज़रूर से बना लेती हूँ क्योंकि और ज़्यादा कोई खाना पसंद नहीं करता है। तो चलिए रोटियां तो सारी ही बन गई थी, थोड़ा आटा 2-3 रोटी का और रखा हुआ था सो बाद में वो भी बना लिया था क्योंकि ये आटा गूंद के नहीं रखा जाता है, आटा तो वैसे भी गूंद के नहीं रखना चाहिए फ्रिज में। तो ये था हमारा लंच, बढ़िया सा घी लगाया रोटी में, लहसुन की चटनी और भिंडी, तो बड़ा मज़ेदार लंच था। और अगर आप चाहते हैं बनाना तो बाजरे की रोटी इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ, शाम के 7:25 हो रहे हैं, बल्कि उससे थोड़े ऊपर ही हो गए हैं। और बस उसके बाद एकदम आराम से चटनी रोटी खा के सब हम सो गए थे। एंड अभी अभी मेरी हाउस हेल्पर भी गई है तकरीबन 15-20 पहले। सो अब आपको बिल्कुल इत्मीनान से मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ। सबसे पहले तो दिखाती हूँ उड़ीसा से जो लिया था, जस्ट एक ही चीज़ ली है सो पहले उसको दिखा देती हूँ। अच्छी लगी थी एक्चुअली, गई थी प्रिया के लिए नाइटी लेने के लिए तो मुझे ये पसंद आया अपने लिए। ये तो जस्ट एंकल लेंथ लेगिंग है तो वाइट कलर की है, ऑफ वाइट।
ये देखिए, ये एक फ्लोर लेंथ तो नहीं बोलूँगी, उससे ज़रा सा ही ऊपर है, इसलिए इसके साथ मैंने लेगिंग लिया है। ये देखिए बहुत प्यारा है, वहाँ पहन के देख लिया था। एंड आर्टिफिशियल जो मिरर होता है वो वर्क है, रियल वर्क नहीं है। एक्चुअली इसका नेक अच्छा लगा मुझे, और नीचे इस तरीके से फ्लेयर्ड है। और जो इसकी स्लीव है वो 3/4 है। सो अच्छा था, पहन के देखा था मैंने। और इसकी प्राइस है 950 रुपीज़। और ये जो लेगिंग है ये अलग से है, 300 रुपीज़ की। सो ये एक पेयर बस वहीं से ले लिया था। और ये लिया था मैंने, झुंझुनू गए थे माता रानी के दर्शन करने, बस वहाँ से बाहर निकली थी। सो ये दो कुर्ती मैंने ली है बंधेज की, और इसके नीचे जो बॉटम वो सब नहीं मिला, बस कुर्ती है। 300 रुपीज़, 299 करके थी। सो कुछ भी मैच करके पहन लेंगे, अच्छी लगी मुझे। और दोनों ही हाई नेक है। सो 600 रुपीज़ की दो ये कुर्ती, तो ये झुंझुनू से ली थी। और ये आपको दिखाऊंगी, बहुत प्यारी चीज़ है। वहाँ गए थे ना जिस दिन हम सिटी पैलेस सारा सब कुछ घूमने के लिए गए थे, ये उस दिन लिया था, जहाँ से ये रजाई वगैरह भी ली, जयपुर की रजाई। सो ये बहुत प्यारा है, ये मैं आपको सामने से दिखाऊंगी। पूरा मार्बल का है। और सबसे पहले बता दूं कि ये जो टीका लगाते हैं ना, रोरी और चावल जो रखते हैं टीका के लिए, तो बस इसमें घोल के रख दो, और कभी भी ज़रूरत पड़े तो निकाल के और यूज़ कीजिए। ये देखिए बहुत अच्छा है, मैं सामने से दिखाती हूँ। सो ये अच्छा लगा मुझे मंदिर में रखने के लिए। वैसे भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो फिर कहीं आना जाना ही हुआ, या रक्षाबंधन हुआ, या कोई त्यौहार ही हो गया, तो अलग से थाली में लेके रोरी घोलनी पड़ती है, चावल लेना पड़ता है। ये एक बार में रहेगा, तो इसमें टीका आप बना के ही रख दो, और जब भी आपको 2 महीने बाद भी ज़रूरत है तो 1 या 2 ड्रॉप पानी डाल के साथ रेडी है, तो बहुत अच्छा है। और ये कुछ फुटवेयर्स लेकर आई थी, जयपुर की स्पेशलिटी है, तो ये तो मैंने ख़रीदा था स्पेशल आंचल के लिए, बट हम दोनों का ही जो पैर का साइज़ है वो एक ही है, तो हम लोग एक्सचेंज करके पहन लेते, तो ये तो एक जूती हो गई। और ये एक मैंने स्लीपर ही आप समझ लो कि एकदम ही फ्लैट है, जो भी फुटवेयर है वो सारे ही फ्लैट हैं। और बहुत सुंदर वर्क है इसका, मल्टी कलर में है, तो किसी भी सूट या साड़ी में ईजिली जाएगा। और इनके प्राइस जो हैं वो 350 से 400 के बीच में हैं। और ये तो मतलब दिल छू लेने वाला डिज़ाइन था, इस तरीके के जर्मन सिल्वर भी मिलते ना पहनने का, ये मुझे बहुत पसंद है। सो ये 2 से 3 पेयर ये मैंने ले लिए थे, सो हम दोनों ही पहन लेंगे। और ये 2 बेडशीट ली हैं, वहीं से जयपुर से ही ली हैं। और ये 1 बेडशीट 1250 रुपये की है। एक तो ये जयपुरिया छापा लिया, जिसमें ये 2 है, बगल वाला जो हम लोग गोल तकिया बोलते हैं उसकी नहीं है कवर, तो 2 कवर है। और ये पूरी सेम ही है, सेम बेडशीट है, पूरा जयपुरिया छापा है। सो रनिंग में है पूरी, एक जैसी है। और ये एलिफेंट बने हुए हैं, जैसे जयपुरिया जो सामान होता है उसमें स्पेशलिटी होती है एलिफेंट की। ये देखिए सो एक ये बेडशीट है और एक ये है, बहुत प्यारी है। कवर आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। और दूसरी तरफ ये मोर बना हुआ है, तो 2 कवर है और ये बेडशीट है। पहले आपको सामने से इसका वर्क दिखा देती हूँ।
कॉटन बहुत अच्छा है इसका, और पूरे चारों तरफ बॉर्डर में ये मोर बने हुए हैं, पिकॉक। छोटी भी नहीं पड़ेगी क्योंकि अच्छी खासी साइज है बेडशीट की, और बेडशीट क्या है ना, थोड़ी बड़ी हो तो ही सही रहता है, छोटी पड़ जाए तो वो इधर उधर से निकलती रहती है बेडशीट। सो ये दो बेडशीट ली है, और एकदम मेन चीज़ अब आपको दिखाती हूँ, ये जयपुरिया रजाई है। अच्छा हाँ, बेडशीट का प्राइस मैंने आपको बता दिया था, 1250 रुपये करके एक है, बट हाँ क्वालिटी अच्छी है। जो हम यहाँ से लेते हैं ना, वो भी ऐसे 1000, 1200, 1400 ऐसे आती है, बट हाँ काफ़ी साल चलती भी है। और ये जयपुर की स्पेशलिटी, इतनी हल्की है, इतनी हल्की है, एकदम हल्की, भारी नहीं है। वहाँ वो एग्जाम्पल दे रहे थे शॉप वाले कि आपका मोबाइल भारी होगा, मगर ये हल्की होगी, वाकई में वही है। और पूरे में जयपुरिया छापा है, पूरी सेम है, आगे पीछे एक जैसा ही पैटर्न है। ये देखिए, सब में ये एलिफेंट बने हुए हैं, राजा रानी इस तरीके से, मैं आपको सामने से शो कर देती हूँ, बहुत प्यारी है। और एक मम्मी ने भी ली है, सो वो तो मम्मी के घर पे ही है, वो थोड़ी डिफरेंट है, मैंने ये ली है। सो बस यही कुछ मेरी शॉपिंग थी। इतने दिन से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। और आए हुए भी आप समझ लो कि 4-5 दिन हो गए हैं कैमरा मैंने उठाया नहीं, क्योंकि तबीयत एकदम भी ठीक नहीं लग रही थी। आज थोड़ा बेटर फील कर रही थी, सो आपको दिखाया मैंने। कैसा लगा सामान मुझे बताइएगा, स्पेशली ये रजाई, ऐसी यहाँ कोलकाता में नहीं मिलती है। वही है ना कि जहाँ की स्पेशलिटी है तो वहीं की चीज़ें लाना अच्छा लगता है, बाकी तो सब शहर में सब कुछ मिलता ही है। सो चलिए, सामान कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।